डेविड को, अगर डेविड गेस्ट अपीयरेंस तो मेरी है ये, तो अगर ये ऐसे मेरे को मार मार के चला जाएगा तो कैसे होगा सर, मैं ना मेरा तो कैरेक्टर गिर जाएगा। गोविंदा के साथ काम करने में मुझे सबसे ईजी लगता था, और सेम अनिल के साथ। अनिल तो खैर घर का फैमिली मेम्बर है। ये तुम लोग घबराने का नहीं, आज पप्पू पेजर को पहली बार भारी आती पड़े लाए, कुछ सोचना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ, मैं हूँ पूजा पटेल। वेल, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिन्हें इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़े लेजेंड है। वेल, ये कोई और नहीं बल्कि सतीश कौशिक जी है। सर, सबसे पहले तो वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। थैंक यू वेरी मच। अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो आपकी पेयरिंग सलमान खान और गोविंदा जी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो क्या कुछ उनके जर्नी के बारे में कुछ बेस्ट मोमेंट अगर आप शेयर करना चाहोगे आपके फैंस के साथ? मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है, मेरा अनिल कपूर मेरा बड़ा खास दोस्त है, अनुपम खेर है, या गोविंदा के साथ मैंने 16 पिक्चरें की हैं, है ना, और एक से एक हिट पिक्चर की है वो, चाहे वो साजन चले ससुराल हो, चाहे वो दीवाना मस्ताना हो, और चाहे वो अपना क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, है ना। उनकी हमारी टाइमिंग जो थी ना वो बहुत कमाल की थी। मेरे को लगता था कि गोविंदा के साथ काम करने में मुझे सबसे ईजी लगता था, और सेम अनिल के साथ। अनिल तो खैर घर का फैमिली मेम्बर है, मतलब मैंने उसको डायरेक्ट भी किया है, मैंने एक्ट भी किया उनके साथ, तो आई यूज़ टू फील वेरी वेरी कम्फर्टेबल, मतलब होता है ना। और गोविंदा के साथ तो क्या इम्प्रोवाइजेशंस बहुत होती थी, हम ऑन द स्पॉट जो है वो बहुत इम्प्रोवाइज़ करते थे। जैसे कि मैं पप्पू पेजर का जब मैं डायलॉग मैंने अपने आप ही खुद थोड़े से रूमी जाफरी के साथ बैठ के ठीक किए थे, और जब मैंने अपना डायलॉग बोला था ना, ये तुम लोग घबराने का नहीं समझा क्या, और बिल्कुल करेक्ट ऐसे डायलॉग बोला, तो उसने कहा सर आपने अपना रोल तो बना लिया, वो मेरा क्या होगा सर, समझे ना। तो उसने मुझे, उसने जो इतनी स्पीच बनाई ना, इन टुकले पुन टुकले और ये ऐसा करके बत्ती बुझाइए, वो इतने इतना अच्छा किया कि पूछो मत। तो मैंने डेविड को कहा डेविड गेस्ट अपीयरेंस तो मेरी है ये, तो अगर ये ऐसे मेरे को मार मार के चला जाएगा तो कैसे होगा सर, मैं ना मेरा तो कैरेक्टर गिर जाएगा। तो वो मार के जब जाता है ना, तब मैंने वो डायलॉग इम्प्रोवाइज़ किया था, ये तुम लोग घबराने का नहीं, आज पप्पू पेजर को पहली बार भारी आदमी पड़े लाए, कुछ सोचना पड़ेगा, है ना। तो वो ऐसे वो तालमेल था मतलब एक्टर्स का, और मैं इम्प्रोवाइजेशन में बहुत बिलीव करता हूँ, यू नो। तो सबके साथ काम किया, सलमान को तो मैंने डायरेक्ट किया तेरे नाम में, यू नो, सलमान जैसा रियलिस्टिक बड़ा अंडरस्टेटेड एक्टर, और बड़ा ही सलमान की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस गिनी जाती हैं तेरे नाम की आज तक। तो मेरे को भी बल्कि सलमान से सीखने का मौका मिला, क्योंकि तब तक हम, क्योंकि हम थिएटर के हैं तो हमको थोड़ा सा प्रोजेक्शन में हम ज़्यादा बिलीव करते हैं, एंड सलमान एक अंडरस्टेटेड एक्टर है, वो ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता, उसकी पर्सनैलिटी में इतनी ताकत है, इतना दम है कि वो अपने आप एक्चुअली स्क्रीन के ऊपर उसकी पर्सनैलिटी जो है इतनी स्ट्रांग लगती है। सो ही डजंट हैव टू काइंड ऑफ पाउट हिज डायलॉग वेरी स्ट्रांगली, और बहुत उससे तो वो अंडरस्टेटेड परफॉर्मेंस जो उसने तेरे नाम में दी थी वो बहुत कमाल थी। और आपको सीखने को मिलता है कि हर क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो आप सीखना बंद करते हैं, है ना। सीखने का प्रोसेस तो किसी भी कलाकार के लिए, आर्टिस्ट के लिए, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, वो हमेशा चलता रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता असल में। तो आपको अलग अलग आज की नई जनरेशन से हमको सीखने को मिलता है, आज नई जनरेशन इतना अच्छा काम कर रही है। मेरे को आज टीचर्स डे पे बोला कि आप अपने किस टीचर को एक्चुअली बोलना चाहेंगे किस टीचर, तो मैंने कहा मेरे टीचर तो आजकल के यंगस्टर्स हैं, एक्चुअली दे आर माई टीचर्स, यू नो। आजकल का जो युवा है, जो यंगस्टर है, उसकी सोच जो है वो बहुत कमाल की है, और वो बहुत खुल के सोचता है, वो फियरलेसली सोचता है, ठीक है ना। आज जो फिल्में बना रहे हैं, तो मैंने कहा मेरे टीचर तो यंगस्टर है, तो दैट इज़ द प्रोसेस। सभी हमने बात छेड़ी है सलमान खान और तेरे नाम की, तो फैंस बिल्कुल जानना चाहेंगे कि तेरे नाम टू कब आ रही है। देखिए तेरे नाम टू का, क्योंकि तेरे नाम जैसी कहानी मेरे पास है, मैंने इंटरव्यू में भी बोला था, लेकिन मेरी सलमान से कोई बात नहीं हुई है उस बारे में, और मुझे पता नहीं कब होगी, होगी भी नहीं होगी ये भी नहीं पता, लेकिन अगर हो तो मैं बड़ा खुश होऊंगा असल में, यू नो। वो तो सलमान के दिमाग में आनी चाहिए, करनी चाहिए, बिकॉज ही इज़ द बिजी स्टार, ही इज़ ए बिग स्टार, इज ए ह्यूज स्टार, ही विल डिसाइड व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, यू नो। आप तो मन में कुछ भी सोच सकते हैं असल में, और कोई चीज़ जब होनी होती है होनी चाहिए। मेरे को भी नहीं पता था कि तेरे नाम मेरे साथ सलमान की होगी जब पहली पिक्चर बनी थी। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप डिसाइड नहीं करते, वो चीज़ें हो जाती हैं, और वही आपके मतलब मील का पत्थर होती हैं आपकी ज़िंदगी अंदर। मुझे नहीं पता, तेरे नाम भी मेरी झोली में ही गिरी थी असल में, एक्चुअली कोई कर रहा था, मतलब वो हो नहीं पा रही थी, और कोई उस सब्जेक्ट में बिलीव नहीं कर रहा था, और मैंने उसका रीमेक देखा हुआ था, मेरे को पिक्चर बहुत पसंद। तो होगी तेरे नाम टू, जब भी होगी देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेरी सलमान से अभी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। तो सलमान के साथ फैंस ये भी जानना चाहेंगे कि गोविंदा और आपकी जोड़ी कब झलकेगी स्क्रीन पर। अब
गोविंदा के साथ तो मेरे को तो कोई कास्ट करे, मैं तो चाहता हूँ, और हम जब भी काम करेंगे बड़ा अच्छा काम करेंगे, क्योंकि हम वो गोविंदा हमेशा मुझे बोलता था, सर पता नहीं आपके साथ ऐसा क्या है कि कुछ सीन कहीं का कहीं पहुँच जाता है असल में, ऐसा कि दो एक्टरों का आपस का तालमेल होता है असल में, यू नो। तो आई एम वेटिंग कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें गोविंदा और मैं इकट्ठे हों, तो क्योंकि उसके साथ मैंने ऐसे ऐसे रोल्स किए हैं, साजन चले ससुराल में तो इट वॉज लाइक ए सेकेंड हीरोज रोल, यू नो, इतना अच्छा रोल था, पर वो मदद भी बहुत करता था और वो टाइमिंग का बादशाह है, मास्टर है वो, दोनों। तो आई एम वेटिंग कि कोई ऐसा काम हो जो गोविंदा के साथ मुझे करने को मिले। आपने अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग ने मतलब आपके पिक्चर्स देखे, आपका डायरेक्शन देखा, आपकी कॉमेडी देखी है, और अभी रिसेंटली आप एक मराठी फिल्म को प्रोड्यूस करने जा रहे हो, तो क्या कुछ कहना चाहोगे इस फिल्म के बारे में? मैं अपनी पहली मराठी पिक्चर मन उधान वारा रिलीज़ करने जा रहा हूँ, 11 अक्टूबर को एक्चुअली वो रिलीज़ है। पहली मराठी फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है संजय मेमाने, जो कि मराठी सिनेमा के टेलीविज़न के बहुत बड़े सिनेमेटोग्राफर हैं, लेकिन पहली बार वो ये फिल्म बना रहे हैं और इसके अंदर बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं। लीड पेयर तो नया है इसके अंदर, लेकिन इसमें उत्तरा बावरकर हैं, इसके अंदर किशोर कदम है, इसके अंदर सागर करंडे है, तो बहुत से अच्छे मराठी एक्टर्स इसके अंदर हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी ये पहली मराठी पिक्चर 11 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली है, और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि ये एक मेरी तरह से पे बैक टाइम है कि मैं महाराष्ट्र में 1979 में मुंबई आया था, और 79 से अब तक इस शहर ने मुझे कामयाबी दी है, इस शहर ने मुझे नाम दिया है, शोहरत दी है, पैसा दिया है, घर दिया है, ऑफिस दिया है, फैमिली दी है, और प्यार दिया है सबसे बड़ा, यू नो। तो और महाराष्ट्र में मराठी फिल्म जो है वो बहुत उन्नति पर है और बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, तो मुझे लगा कि मैं इतना काम करता हूँ, क्यों ना मेरे पे बैक टाइम में मैं अपनी एक पहली मराठी पिक्चर भी प्रोड्यूस करूँ। और मेरा साथ दिया जयंतीलाल गाड़ा ने, जब मैं उनके पास एक सब्जेक्ट लेके गया जो कि एक खासी फिल्म मेघालय में खासी लैंग्वेज में फिल्म बनी थी, मैंने नेशनल अवार्ड जूरी में उस साल 2016 में बहुत सारी मराठी फिल्में देखी थी, और मुझे देख करके बड़ा गर्व महसूस हुआ कि महाराष्ट्र में और मराठी लैंग्वेज में इतनी ज़बरदस्त पिक्चरें बन रही हैं, सब्जेक्ट पे पिक्चरें बन रही हैं, ऐसे लोगों के साथ बन रही हैं जो कि स्टार ओरिएंटेड नहीं है, पिक्चरें जो है वो मतलब कलाकारों के साथ बन रही हैं, किरदार और कहानियाँ जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब मैं ये अपनी मन उधान वारा की कहानी लेके गया, जयंती भाई ने बोला कि आप इसको पहले मराठी में बनाओ, ठीक है ना, हिंदी में बाद में सोचेंगे, पहले मराठी में। तो मुझे भी लगा और उनको लगा कि ये फिल्म मराठी के लिए बड़ी उपयुक्त होगी असल में, और इस करके ये फिल्म जो है अब तैयार है, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये फिल्म जो है इतनी अच्छी बन पाई है। इसको शूट जो है कोंकण रीजन में कुदाल एक जगह है जो कि एक सी टाउन है, मतलब यू नो बहुत खूबसूरत संजय मेमाने ने उसको वो किया है। इसके अंदर म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी रोमांटिक स्टोरी है और बड़ी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल फिल्म है, मतलब कि आपको जो है ना एक ढाड़स देगी, एक पावर देगी कि ज़िंदगी जो है वो जीने के लिए होती है। मन उधान वारा मतलब मन में जो एक तूफ़ानी हवा होती है, हर आदमी की ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब एक्चुअली आपकी ज़िंदगी का तूफ़ान आपको हिला के रख देता है असल में, ठीक है ना, आपको कई चीज़ों से दूर कर देता है असल में। लेकिन जैसे कि तूफ़ान की का नेचर होता है कि तूफ़ान आने के बाद थमता है, ऐसे ही ज़िंदगी का तूफ़ान भी थमता है और ज़िंदगी चेंज होती है। तो इसके अंदर बहुत अच्छा एक मोटिवेशनल जर्नी है, इंस्पिरेशनल जर्नी है एक लड़की की, जो जिसका ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है कि वो कैसे जो है सब कुछ ज़िंदगी से भूल जाती है, लेकिन मतलब जो स्टोरी उसकी जो है वो कैसे उसको होप देती है, लव देती है, कैसे उसको ज़िंदगी जीने का मकसद सिखाती है अच्छे लोगों के थ्रू, अच्छे लोगों से मिलके उस सी टाउन में जो कुदाल नाम की जगह है वहाँ पे जो लोग मिलते हैं वो कैसे उसको प्रेरित करते हैं, ये हमारे महाराष्ट्र कल्चर में है, मदद करना, मदद बात करना, और एक आदमी को उस और उस जहाँ क्योंकि सी टाउन है तो उधर भी तूफ़ान आता है, तो एक तूफ़ान जो समंदर का तूफ़ान है, एक तूफ़ान जो किसी के मन का तूफ़ान है, उन दोनों को कंपैरिजन किया गया। तो ये बहुत ही मोटिवेशनल इंस्पिरेशन लव स्टोरी है और सामाजिक फिल्म है, और म्यूज़िक बहुत अच्छा है, अजय अतुल के अजय ने एक बड़ा अच्छा गाना गाया, हम उसके बड़े धन्यवादी हैं। सोनू निगम ने एक गाना गाया है और आदर्श शिंदे ने
इसके अंदर म्यूजिक कंपोज किया है। गणपति का बड़ा अच्छा गाना भी आजकल गणपति के दिनों में रिलीज़ भी हो गया वो गाना। तो मैं बहुत खुश हूँ इस पिक्चर के लिए और 11 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। जैसे कि आपने बोला कि मराठी में करना ये बहुत बेहतर आपने समझा, लेकिन मराठी तक आते आते इतनी देरी क्यों की आपने? मे बी मैं एक तो बिजी बहुत था, यू नो, अपने अभिनय के क्षेत्र में, चाहे वो थिएटर हो चाहे फिल्म हो, फिर मैं बैक टू बैक पिक्चरें डायरेक्ट कर रहा था, यू नो, तो हर चीज़ का वक्त होता है। कई बार आपके दिल में कुछ वही उदाहरण उठता है ना कि आपको लगता है कि आपको अब टाइम आ गया असल में ना, तो आपके आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते, वो नेचर डिसाइड करती है। और शायद वो मेरा नेशनल अवार्ड ज्यूरी में होना और इतनी मराठी पिक्चरें देना, देखना, उस साल सैराट भी थी नेशनल अवार्ड्स के अंदर, तो शायद उसने मुझे प्रेरित किया कि डेफिनेटली अब मैं मराठी फिल्म बनाऊं, क्योंकि बड़ी अच्छी। और उससे पहले मैं एक मराठी फिल्म में काम कर चुका था, महेश मंजरेकर की पिक्चर थी लाल बाग परेल, उसके अंदर मैंने एक छोटा सा किरदार भी किया था जो कि बड़ा अप्रिशिएट हुआ था। तो वक्त होता है हर चीज़ का, तो देरी सवेरी तो कोई चीज़ नहीं होती, काम करने वाली है तो जब काम मिलता है तब तो आप काम करते हो। सर थैंक यू फॉर कमिंग टू बॉलीवुड नाउ।